मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग वही टेंशन के बारे में बातें करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर में एक चीज बताया था टेंशन का, आपको याद होगा तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक पुल्ली है और ये पुल्ली हम लोग क्या रखते हैं बोलो, मासलेस रखते हैं, है ना। ये पुल्ली जो है हमारा क्या है बोलो, मासलेस, तो इसके मास को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पर एक मास लटका हुआ है मान लो 3 kg का, और यहाँ पर एक मास, सॉरी इधर 2 kg का था तो 2 kg ही लेते हैं, और यहाँ पर एक 3 kg का मास था, याद होगा आप लोगों। अच्छा, यहाँ का सारा कहानी बताए थे कि जो टेंशन का जो डायरेक्शन होता है, हमेशा टेंशन का डायरेक्शन होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इस पॉइंट पर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से अवे जाना है ऐसे। तो यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का भी टेंशन टी। अच्छा, ये कितना से गिरना चाहेगा, नीचे गिरना चाहेगा 3g से, और ये नीचे गिरना चाहेगा बोलो 2g से। बात समझ में आ गया। तो पिछला बार मैंने इसको कंसेप्ट समझाया था, आज फॉर्मूला बता देते हैं, इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे अगला, ठीक है ना, अगला वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ध्यान समझना, यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का भी टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ का टेंशन बदल जाएगा क्योंकि यहाँ का टेंशन मान लेते हैं टी1 है, इधर का टेंशन भी क्या होगा बोलो टी1 होगा। तो T1 बराबर होगा हमारा 2T, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो इन दोनों के वेट को ढो रहा है, समझ पा गए। तो यहाँ का टेंशन डबल होगा इन दोनों का। तो याद रखना, जब यहाँ का टेंशन निकालना होता है तो टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2M1M2 by M1 plus M2 और into G। ये फॉर्मूला मेरे निकल के आता है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अभी हम कर देंगे बट पहले एक बार फॉर्मूला। और इसका क्या करो, इसका डबल कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ का टेंशन का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना होगा, 2 kg 3 kg, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, और बाई क्या होगा 2 + 3, तो 2 + 3 और इंटू जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 9.8 होता है, बट 9.8 को हम लोग, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन करने क्या ले लेंगे बोलो, 10 m/s² ले लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो टी का वैल्यू कितना निकल गया, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 12 और 5 होगा और यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे दो बार में जाएगा, तो ये अगेन कितना न्यूटन आ गया बोलो 24 न्यूटन। तो पिछला वाला में जो मैंने कंसेप्ट से पढ़ाया था वहाँ भी 24 न्यूटन निकल के आया था इस स्ट्रिंग का टेंशन। ऊपर वाला का करोगे तो ऊपर वाला का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4m1m2 और बाई क्या होगा बोलो m1 + m2 हो जाएगा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बोलो जी। और ऐसे में पता है हम लोग आंसर क्या आने वाला है, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका डबल आएगा, मतलब T1 बराबर आएगा 2 × T, यानी कि 2 × और T का वैल्यू 24, दैट मीन्स 48। यहाँ से भी करोगे तो 48 ही आओगे आएगा, तो कर देते हैं तो 4 × 2 × 3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 + 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बोलो 10। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और यहाँ 5, दो बार में कटेगा, ये से ये दो बार में जाएगा, अब करो तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 48। इसका आंसर अगेन कितना आया बोलो 48 न्यूटन निकल के आया इस स्ट्रिंग का टेंशन, ठीक है ना। हम लोग और भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखते हैं टेंशन के बारे में, क्योंकि सारी बातें करेंगे टेंशन का, हर एक सवाल को हम लोग करने वाले हैं टेंशन पे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, एक एक करके आप लोग को मिल जाएगा सारा कंसेप्ट, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अगर मैं उसी तरह कंसेप्ट से समझाऊं तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मान लो एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से वही मासलेस पुल्ली है हमारा, यहाँ पर मान लो 2 kg का मास लटका हुआ है और इधर हमारा 3 kg का मास लटका हुआ है, अगेन यहाँ पर एक और मास लटका हुआ है मान लो 3 kg का, और इधर एक और लटका हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे 4 kg। अब इसमें हमको सॉल्व करना, अब दो दो मास लटका हुआ, कंसेप्ट वही रहेगा हमारा। मान लो ये ब्लॉक नीचे की ओर गिरना चाहता है, पहले टेंशन निकाले, तो यहाँ का टेंशन मान लो T1 है, तो यहाँ का टेंशन भी कितना होगा बोलो T1 होगा, ठीक है। यहाँ का टेंशन ले लेते हैं T2, तो यहाँ का भी टेंशन क्या होगा T2, सबको पता है स्ट्रिंग बदल गया तो टेंशन भी बदल जाएगा। तो यहाँ T1 ले लिए, यहाँ T2 ले लिए, यहाँ T3 ले लेते हैं, यहाँ का टेंशन T3, तो यहाँ का भी क्या होगा बोलो T3 होगा, यहाँ का टेंशन T4 होगा, तो यहाँ का भी टेंशन क्या आएगा बोलो T4। T4 का वैल्यू हमको क्या करना है, इसका डबल लेना है 2T2 के
डबल लेना है ना, टी टू के क्या लेना है, डबल लेना है। चीजें समझ में आ गया? अच्छा, ये कितना से गिरना चाहेगा नीचे, 4G से। ये कितना से गिरना चाहेगा बोलो, 3G से। ये कितना से गिरना चाहेगा, 3G से। ये कितना से गिरना चाहेगा बोलो, 2G से। इक्वेशन लगाओ, ये ब्लॉक अनबैलेंस है। अनबैलेंस होने में मतलब ये 4 kg, 3 7 kg और 3 2 5 kg, ये ब्लॉक ऐसे गिरना चाहता है। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला क्या लेंगे बोलो, नेगेटिव। चार बॉडी है तो चार इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एपनेट बराबर क्या लिखेंगे बोलो, एम ए। तो एपनेट इक्वल टू एम ए का मतलब बताए थे, एपनेट का मतलब होता है किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स देखो, नीचे की ओर 4G से गिरना चाहता, 4G से। ऊपर की ओर रोकना कितना चाहता है, T1 से रोकना चाहता है, 4G से गिरना चाहता है, T1 से रोकना चाहता है। यहाँ का इक्वेशन बन जाएगा हमारा एपनेट इक्वल टू एम ए। तो 4G माइनस T1, राइट, 4G माइनस T1 बराबर MA, MA यानी कि 4A। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऊपर वाला का भी इस तरह इक्वेशन बनाएंगे, नीचे कितना से गिरना चाहेगा, T1 से। ऊपर कितना जाना, T2 से। और एक और है, मतलब इस बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, 3 फोर्स है। एक है T1 से नीचे की ओर खींच रहा है रस्सी, और 3G से खुद गिरना चाहता है। रस्सी कितना से खींच रहा है, T1 से, और खुद कितना से गिरना चाहता है, 3G से। रोक की तो कौन रहा है बोलो, T2 रोक रहा है। मतलब नीचे तरफ 2 फोर्स है, एक है 3G माइनस T1, तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जोड़ देना है। और ये वाला पॉजिटिव लेना नीचे वाला, ऊपर वाला क्या लेना है, नेगेटिव। तो हो गया 3G प्लस T1, और माइनस क्या होगा बोलो, T2। माइनस T2 बराबर 3A, क्योंकि अपने इक्वल टू एम ए, तो यहाँ का होगा 3A। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह सेम हम लोग इस ब्लॉक पे भी निकाल सकते हैं, इस ब्लॉक पे भी निकाल, ऊपर वाला का ही निकालते हैं, कहीं भी निकालना है कोई टेंशन नहीं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ये 3G से गिरना चाहता है, ऊपर T2 से इसको ऊपर ले जाना चाहता है, तो नीचे 3G से गिरना चाहता है। बॉडी इधर मूव कर रहा है, चीज समझ में आ रहा ना, बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव लेना है, ये वाला क्या लेना है बोलो, नेगेटिव लेना है। तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, T3 माइनस क्या होगा, 3G। तो यहाँ बनेगा T3 माइनस 3G बराबर कितना होगा, बराबर होगा 3A, इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन बनेगा इसका, तो नीचे 2 फोर्स से गिरना चाहता है, एक 2G से और एक T3 से, क्योंकि ये रस्सी नीचे T3 से खींचना चाह रहा है, 2G से ये खुद गिरना चाहता है। ऊपर कितना जा रहा है, T2 से ऊपर जाना चाहता है, तो ये बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, ऊपर वाला पॉजिटिव लेना, ध्यान रखना, तो T2, तो यहाँ हो गया T2 माइनस T2 माइनस 2G प्लस T3। चीजें समझ में आ गया, इक्वल टू क्या होगा, MA मतलब 2A। यहाँ इक्वेशन कैसे बनाए, क्या चीजें समझ में आया, देखो दो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2G और T3 दोनों एक डायरेक्शन में तो जोड़ दिए, एक्चुअल में T2 से ऊपर जाना चाहता है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा, मोशन ऐसे करा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव ले, नीचे वाला नेगेटिव लेना है। चीजें समझ में आ गया, तो एक्चुअली यहाँ दोनों नेगेटिव आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि ये वाला भी वैल्यू नेगेटिव होगा, ये वाला वैल्यू नेगेटिव, माइनस माइनस होकर जुड़ेगा। चीजें समझ में आ गया होगा, तो इस तरह किया हम एपनेट, मतलब होता किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है। जीरो का मतलब यहाँ देखो, एपनेट इक्वल टू एम ए होता, अगर बॉडी बैलेंस है तो एपनेट इक्वल टू क्या लगा, अगर बॉडी बैलेंस रहेगा तो एपनेट इक्वल टू जीरो लगाना, और अगर बॉडी अनबैलेंस रहेगा मतलब उस पर लगने वाला फोर्स अनबैलेंस फोर्स है, तो एपनेट इक्वल टू क्या लगाओगे बोलो, एम ए। एक्चुअली ये बॉडी मूव कर रहा है, ये बॉडी नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये अनबैलेंस फोर्स यहाँ लग रहा होगा, तो एपनेट इक्वल टू एम ए लगाए। एपनेट मतलब उस बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स, तो इस बॉडी पर जो फोर्स दिखा हम लगा दिए सारा का सारा फोर्स, एपनेट इक्वल टू किसके बराबर कर दिए, एम ए के। अब जो कटेगा उसको प्यार से काटो, T1 यहाँ से कैंसिल हुआ, T2 भी कैंसिल होगा कहीं ना कहीं से, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, T3 भी कैंसिल हुआ इससे, बाकी और कहीं कुछ लोचा नहीं है, तो इसको ये जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये अगेन यहाँ से जुड़ेगा, ऑलरेडी माइनस लगेगा इसमें, तो यहाँ होगा 4 3 7G, माइनस क्या होगा यहाँ, -3G, और यहाँ कितना है, -2G, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा -5G, तो ये वाला हो गया 5G, इक्वल टू जोड़ो इधर 4 3 7 7 3 10 2 12, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 2G आएगा, 2G इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से काटोगे तो 6 आएगा, तो A बराबर आ गया G/6। सॉल्व करें तो G का वैल्यू 10 लेते हैं, इसका वैल्यू इतना, मतलब 5/3 आया, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं आसानी से, कहाँ से निकालोगे देख लो, जैसे A का वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, T1 T2 T3 और T4 का वैल्यू हमारा फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं,
तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, और फ्रॉम फर्स्ट लिखने पर इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, जैसे हो गया 4g माइनस t1 बराबर 4u। चीज समझ में आ गया? तो 4g मतलब 4 इंटू 10 माइनस t1 का वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 4, और a का वैल्यू हो गया 5/3। अब इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, तो t1 बराबर कितना होगा, 40 माइनस 20/3, 4 × 3 = 12, मतलब 120 दिख रहा है क्या? नीचे लिख लेते, नहीं दिख रहा हो तो 4 × 3 = 12, 120 माइनस 20/3 यानी कि 100/3 न्यूटन। तो T1 अगर कहीं नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर, यहाँ का जो टेंशन है वो 100/3 न्यूटन है। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि A का वैल्यू हम आ गया, तो हम यहाँ लिख के रख लेते हैं, A का वैल्यू मेरा आया है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते क्योंकि जगह कम है। अब मेरे पास निकल गया T1, T2 निकालने के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 में देखो कितना है, 3g प्लस T1 माइनस T2 बराबर 3a। सॉल्व करो तो यहाँ होगा 3 × 10 प्लस T1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू आया है 100/3 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो 3 × a का वैल्यू 5/3, तो 5/3 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो ऑलरेडी इधर 5 बचा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 + 100/3 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर क्या होगा बोलो, T2। सॉल्व करेंगे 100 × 300, ये इधर भी जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ 100 × 300 यहाँ कर रहे हैं, तो 100 × 300 + 100 और माइनस, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3 = 15 और डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो, 3। ये मेरा T2 का वैल्यू निकल के आया। करो कैलकुलेशन, 300 × 100 = 400, 400 - 15 और / 3 इक्वल टू आया T2। तो T2 का वैल्यू मेरे पास जो निकल के आया वो कितना होगा, 385/3 न्यूटन। इस तरह मेरे पास आया, T2 आ गया। अब हम T3 निकालना चाहते हैं, T3 इस इक्वेशन से निकाल लेंगे अगेन। तो T3 निकालने के लिए फिर से हम यहीं पे मिटाते हैं, तो T2 का वैल्यू भी हम कहीं पे लिख के रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो T2 का वैल्यू मेरे पास आया 385/3 न्यूटन, T1 का वैल्यू आया 100/3 न्यूटन, यहाँ लिख के रख लेते हैं। तो T1 का वैल्यू आया 100/3 न्यूटन। तो इस तरह करके मेरे पास वैल्यू निकलते जा रहा है, T1 का निकला, फिर T2 का निकला, अब हम किसका निकालेंगे, T3 का। T3 इस इक्वेशन के यूज करेंगे फ्रॉम थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड में देखते हैं, फ्रॉम थर्ड में देखेंगे तो क्या आया, T3 - 3g = 3a। तो T3 बराबर 3a मतलब 5/3, तो यहाँ लिखोगे 5/3 अगेन, और प्लस ये उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 × g का वैल्यू 10 लेंगे, तो 3 × 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो T3 का वैल्यू मेरे पास निकल के आया 35 न्यूटन। ये वाला बहुत कम है, ये वाला 35 न्यूटन से गिरना चाहता है। T1 100/3 आया था, तो 100/3 यानी कि 33.3 न्यूटन से ये गिरना चाहता था। अब बचा सिर्फ T2, भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T2 का वैल्यू आया है देख लो वहाँ पे 385/3। अब अगर T4 निकालना जाए तो T4 कैलकुलेट कर लेते कहीं पर, T4 कहीं नजर आ रहा है क्या, तो T4 निकालने के लिए इसका डबल करते हैं T2 का। तो जब हम T4 निकालेंगे यहाँ पर, तो T4 निकालने के लिए इसका डबल कर दोगे, तो 2 × T2 का वैल्यू वहाँ 385/3। सॉल्व करो तो T4 बराबर होगा 5 × 10 = 0, हाथ मेरा 1, 8 × 2 = 16 और 1 × 17 = 7, हाथ मेरा 1, 3 × 2 = 6 = 7, तो 770 आ रहा है, 770/3 न्यूटन, इतना न्यूटन का टेंशन। अच्छा याद रखना, क्वेश्चन में जहाँ का टेंशन जितना ज़्यादा होगा वह स्ट्रिंग जल्दी ब्रेक होगा, तो टूटने का चांसेस ज़्यादा यहाँ का होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग पर टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये आप लोग कैसा लगा कैलकुलेशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आप लोगों को बताऊँ टेंशन से रिलेटेड सवाल, ठीक है, इससे भी खतरनाक टफ टफ लेके आएंगे, ताकि सारा क्वेश्चन टेंशन से रिलेटेड सॉल्व होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।